Hey friends, welcome to MacAbit Forum. Today we are going to discuss about the differences between a two-stroke engine and a four-stroke engine. While driving a vehicle, we are unaware that whether the engine is a two-stroke engine or a four-stroke engine. But that makes a serious difference to its speed, power, efficiency, and many more things. So let's figure out some of the differences between the two-stroke engine and a four-stroke engine. And if you are curious about to know the working of a two-stroke engine and a four-stroke petrol and diesel engine, please go through the lectures provided from the link in the description box. So let's move on. Here we have 11 list of differences between the two-stroke engine and the four-stroke engine. And here we have the first one. Cycle completes in one revolution of crankshaft of 360 degree in a two-stroke engine. Whereas on the four-stroke engine, we have cycle completion in two revolutions, that is 720 degree. अगर आप टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि क्रैंकशाफ्ट जब हमारी रोटेट करती है तो टू स्ट्रोक इंजन में हमारे सारे प्रोसेसेस, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये चारों के चारों प्रोसेसेस हमारे क्रैंकशाफ्ट की एक रोटेशन में कंप्लीट हो जाते हैं. मतलब क्रैंकशाफ्ट की एक रोटेशन में हमें पावर स्ट्रोक मिलता है और साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है. जबकि यही हम फोर स्ट्रोक इंजन में अगर देखें तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये चारों ही प्रोसेस हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में 720 डिग्री में होते हैं. मींस क्रैंकशाफ्ट को दो बार रोटेट करना पड़ता है 360 डिग्री ईच, तब जाके उसके चारों प्रोसेसेस हो पाते हैं. सेकंड डिफरेंस इज दैट इन अ टू स्ट्रोक इंजन इट मेक्स यूज ऑफ पोर्ट्स, व्हाइल इन अ फोर स्ट्रोक इंजन इट मेक्स यूज ऑफ वाल्व मैकेनिज्म. ये डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो वहां पर जो डायग्राम दिए हुए हैं उसमें टू स्ट्रोक इंजन में हमारे पास इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट होते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में हमारे पास पोर्ट्स की जगह वॉल्व मैकेनिज्म होता है. वॉल्व मैकेनिज्म दैट इज ऑपरेटेड बाय द क्रैंकशाफ्ट. वहां पे हमारे पास इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं. एंड ऑब्वियसली वॉल्व्स आर मोर एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट देन एज कंपेयर टू पोर्ट्स. थर्ड हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज थर्मल एफिशिएंसी इज लेस ऑफ अ टू स्ट्रोक इंजन एंड थर्मल एफिशिएंसी इज हाई फॉर अ फोर स्ट्रोक इंजन. So, ये जो थर्मल एफिशिएंसी का पॉइंट है, इसको समझने के लिए फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी. थर्मल एफिशिएंसी जो हमारे इंजन की होती है दैट इज द वर्क डन टू द हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड मतलब कि हम उससे कितना फ्यूल दे रहे हैं. तो हमारे पास अगर एक एक्स क्वांटिटी का फ्यूल है, फ्यूल कोई भी है हमारे पास, तो वो हमारे पास अगर एक्स क्वांटिटी उसका वॉल्यूम है तो उसमें हमें टू स्ट्रोक इंजन में लेस वर्क आउटपुट मिलता है. मतलब जो वर्क डन होता है वो उतने ही क्वांटिटी ऑफ फ्यूल के लिए टू स्ट्रोक इंजन कम डेवलप कर पाता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन उतने ही क्वांटिटी ऑफ फ्यूल के लिए हमें ज्यादा वर्क डन देता है. तो इसके बिहाफ पे थर्मल एफिशिएंसी टू स्ट्रोक इंजन की कम होती है जबकि फोर स्ट्रोक इंजन की ज्यादा होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट जनरेट्स मोर स्मोक. टू स्ट्रोक इंजन हमारे ज्यादा स्मोक बनाते हैं जबकि फोर स्ट्रोक इंजन हमारे कम स्मोक बनाते हैं. स्मोक बेसिकली क्या, स्मोक इज द एग्जॉस्ट दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक फ्रॉम द कंबशन चैम्बर. तो टू स्ट्रोक इंजन हमारे ज्यादा स्मोक क्यों बनाते हैं? टू स्ट्रोक इंजन में ल्यूब्रिकेशन देने के लिए वी मेक यूज ऑफ द टूटी ऑयल, जिसको कि हम फ्यूल के साथ में एड करके अंदर इंसर्ट कराते हैं. तो जब हमारे फ्यूल के साथ में वो टूटी ऑयल मिक्स होता है एंड इट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, तो कंबशन में हिस्सा लेने की वजह से वो टूटी ऑयल भी जलता है. एंड वेन इट बर्न्स इट रिलीजेस द व्हाइट कलर्ड स्मोक, जिसकी वजह से आपके टू स्ट्रोक इंजन ज्यादा स्मोक बनाते हैं, ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में देर इज लेस स्मोक बिकॉज वी मेक यूज ऑफ ओनली फ्यूल इन द कम्बशन चैम्बर. वहां पे कोई भी हमारा एक एक्स्ट्रा एडिटिव जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है कम्बशन के दौरान. नेक्स्ट वी हैव टू स्ट्रोक इंजन रिक्वायर्स मोर लुब्रिकेशन वेयरएज फोर स्ट्रोक इंजन रिक्वायर्स लेस लुब्रिकेशन. इसके पीछे रीजन क्या है? टू स्ट्रोक इंजन में हमारे पास क्रैंक केस में हमें ज्यादा लुब्रिकेशन देना पड़ता है, उसके अंदर हमारे पास स्पेस कन्फाइंड होती है, बहुत छोटी स्पेस होती है, तो हमें उस इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए ज्यादा लुब्रिकेशन चाहिए, तभी हम उसके अंदर टूटी ऑयल को पेट्रोल के साथ में मिक्स करके इंसर्ट कराते हैं. जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में हमें इतनी लुब्रिकेशन नहीं चाहिए, हमारे पास एक सम टैंक होता है जिससे हम आसानी से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं. देन वी हैव टू स्ट्रोक इंजन हैव हायर टीयर एंड वियर रेट वेयरएज फोर स्ट्रोक इंजन हैज लो टीयर एंड वियर रेट. टीयर एंड वियर मीन्स कि किसी भी चीज के खराब होने का रेट. तो टू स्ट्रोक इंजन जो हमारे होते हैं उसमें ज्यादा टीयर एंड वियर होता है बिकॉज कि हम उसके अंदर लुब्रिकेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स टूटी ऑयल को मिक्स करके हम उसके साथ भेज रहे हैं, तो जब ज्यादा उसके अंदर
टूटी ऑयल बर्न होगा, इट विल लीड टू मोर स्मोक और उसके अंदर एक प्रॉपर स्मूथनेस भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारे टू स्ट्रोक इंजन जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन हमारे बहुत ही रॉबस्ट स्ट्रक्चर के साथ बनाए जाते हैं टू बियर द हाई प्रेशर, इसकी वजह से उनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंजन्स आर चीपर ऑफ टू स्ट्रोक वेयर एज इंजन्स आर कॉस्टली फॉर फोर स्ट्रोक्स। इट इज वेरी ऑब्वियस, टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं दे मेक यूज ऑफ द लेस पार्ट, जैसे कि एक अभी यहां पर डिस्कस किया था पोर्ट्स, पोर्ट्स का ऑपरेशन आसान होता है, उसके लिए हमें कम अटैचमेंट्स चाहिए, तो ऐसे जब कंपोनेंट्स का हम यूज कम करेंगे किसी भी इंजन में तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हमारे टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में वी मेक यूज ऑफ टू मच थिंग्स लाइक कैमशाफ्ट टू ऑपरेट द वॉल्व मैकेनिज्म अपने आप में एक एडिशन हो गया, देन टू ऑपरेट दोज वॉल्व मैकेनिज्म वी मेक यूज ऑफ पिनियन गियर्स टैपेट्स स्प्रिंग्स एंड मेनी मोर थिंग, और उसके अंदर हम लोग फ्लाई व्हील का भी यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्ट्रोक इंजन्स आर इजी टू मैन्युफैक्चर वेयर एज फोर स्ट्रोक इंजन्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, मीन्स टू स्ट्रोक इंजन स्मॉल इन साइज होता है, हल्का होता है, तो उसको बनाना ज्यादा आसान है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों? क्योंकि वो फोर स्ट्रोक इंजन जब ज्यादा पावर बनाएगा तो उसको ठंडा रखने के लिए हमें उसके अंदर एक वाटर जैकेट भी बनानी पड़ती है, शील्डिंग, तो उसकी वजह से उसके अंदर हम मोल्डिंग और कास्टिंग जो करते हैं उसकी वजह से उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव, टू स्ट्रोक इंजन आर मोर नॉइजी वेयर एज फोर स्ट्रोक इंजन आर लेस नॉइजी। नॉइजी का पॉइंट यहां पे डिस्कस हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो साइकिल है वो 360 डिग्री में कंप्लीट हो रही है, मतलब पिस्टन को 360 डिग्री मूवमेंट लेने के लिए, क्रैंक को 360 डिग्री मूवमेंट लेने के लिए पिस्टन को दो बार मूव कराना पड़ेगा, ऐसे में जब पिस्टन बार बार स्ट्रोक लेंथ लेगा अपनी तो वो ज्यादा नॉइज क्रिएट करेगा, एंड इन एडिशन टू दैट कूलिंग भी हम उसे कम दे रहे हैं, इसकी वजह से टू स्ट्रोक इंजन ज्यादा नॉइज करते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में प्रॉपर स्ट्रोक लेंथ मिलती है, प्रॉपर क्रैंक रोटेशन मिल रहा है, एंड इन एडिशन टू दैट वी आर प्रोवाइडिंग द गुड कूलिंग सिस्टम जिसकी वजह से वो कम आवाज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, लो टॉर्क एट लेस आरपीएम फॉर द टू स्ट्रोक इंजन एंड हाई टॉर्क एट लेस आरपीएम फॉर द फोर स्ट्रोक इंजन। मीन्स अगर हम लेस आरपीएम के बेसिस पे देखें तो टू स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस द लेस टॉर्क, मतलब उससे निकलने वाली पावर कम होती है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन कम आरपीएम पे ही ज्यादा टॉर्क आपको दे सकता है, मींस ज्यादा अगर आप उसका आरपीएम करेंगे तो भी टॉर्क आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज लाइट इन वेट, टू स्ट्रोक इंजन हमारे हल्के होते हैं, हल्के ऑब्वियसली इसीलिए होंगे क्योंकि साइज में छोटे होते हैं, कंपोनेंट्स उसके अंदर कम होते हैं, इसकी वजह से उनका ओवरऑल वेट भी कम होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन हमारे वेट में हैवी होते हैं। हैवी वेट में क्यों होंगे, उनका होना भी हैवी ऑब्वियस है क्योंकि हम इसके अंदर ज्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एज डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारे पास टैपेट्स भी होंगे, स्प्रिंग्स भी होंगे, वॉल मैकेनिज्म भी होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ा फ्लाई व्हील भी लगेगा, एंड मैनी मदर अटैचमेंट्स, जिसकी वजह से उनका जो वेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जस्ट लाइक कूलिंग इश्यूज एंड मैनी मोर। सो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन, और हम अपनी जरूरत के हिसाब से इंजन का यूज करते हैं। मीन्स इफ वी वॉन्ट टू ट्रेवल फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस और इन अ वेरी क्राउडेड एरिया, देन वी जनरली मेक यूज ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन जो कि हमारे यूज होते थे पहले स्कूटर्स में, लाइक बजाज चेतक का आप लोग ने नाम सुना होगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ब्रेवो, एक ब्रेवो स्कूटर आता था तो उसमें हम लोग टू स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल करते थे फ्रॉम वेयर वी वर रिक्वायरिंग वेरी लेस पावर, बट नाउअडेज देयर हैज बीन अ डिमांड इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स अब हमें स्पीड भी चाहिए, हमें पावर भी चाहिए, तो उसकी वजह से अब हमारे पास फोर स्ट्रोक इंजन आने लगे हैं इन ऑल द मॉडर्न बाइक्स, और अब स्कूटीज भी आती हैं फोर स्ट्रोक, और स्कूटर्स भी फोर स्ट्रोक में लॉन्च किए गए हैं। सो हियर वी सॉ मेनी ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन द टू स्ट्रोक इंजन एंड द फोर स्ट्रोक इंजन, एंड आई बिलीव दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट वॉट काइंड ऑफ इंजन आर इनकॉर्पोरेटेड इन वॉट काइंड ऑफ व्हीकल्स। If we need less power, then we definitely will use two-stroke engine. And if we need higher power and higher speed, then we'll use four-stroke engines. So, this was our basic difference between two-stroke and four-stroke engines. And if you like the video, please press the like button and subscribe the channel for more similar technical updates. Till then, do take care and bye-bye.